हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानकोश। वक्त है आज की कुछ बड़ी सुर्खियों पर नजर डालने का। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, सभी दुकानदारों को मिलेगा मुफ्त फ्री इंटरनेट की सुविधा। देश में इंटरनेट सेवा को और मजबूत करने और इसे हर किसी तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पब्लिक वाईफाई शुरू करने का फैसला लिया है। यह वाईफाई नेटवर्क पूरे देश में खड़ा किया जाएगा, जिससे देश के 130 करोड़ नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट मुहैया कराया जा सके। सरकार के कानूनों में बदलाव के प्रस्ताव किसानों ने ठुकराया। अब 14 दिसंबर को पूरे देश में होगा भारी प्रदर्शन। नए कृषि कानून के विरोध में पिछले 15 दिनों से देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने नए कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। आंदोलन करते किसानों को नए कानूनों में संशोधन मंजूरी नहीं है, इसे लेकर अब किसान 14 तारीख को देश भर में भारी प्रदर्शन करेंगे। अब दिल्ली में नहीं बचेगा प्रदूषण, सरकार ने किया हैरान करने वाला काम। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग अब तेज हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को वायु की गुणवत्ता में सुधार और धूल प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एंटी स्मॉग गन को उद्घाटन किया। केजरीवाल ने दावा किया कि ट्रक आधारित या एंटी स्मॉग गन शहर में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्रिटेन पहला देश बना जिसने पहली स्वीकृत कोरोना वैक्सीन लॉन्च की। वॉलंटियर्स को डोज दिए गए, इनमें से दो की तबीयत बिगड़ गई। देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 15 करोड़ के पार हो चुका है। वहीं पॉजिटिविटी रेट घटकर 6.47% हो गया है, इसमें हर दिन गिरावट आ रही है। इस बीच संक्रमितों का आंकड़ा 98 लाख के करीब पहुँच चुका है। पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, वहाँ की सेना परेशान है। वजह यह है भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन की खबर, इसके बाद से पाकिस्तान सेना अलर्ट है। राजस्थान के कोटा में बुधवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, इससे यहां दिसंबर में गर्मी का 9 साल का रिकॉर्ड टूट गया। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे आरजेटी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की भी इजाज़त देने के फैसले के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल। बीएसई का मार्केट कैप 182.20 लाख करोड़ रुपए रहा, करीब 54% कंपनियों के शेयरों में बढ़त रही। आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं।